रुक करते हैं प्रदेश की ओर। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेरी बांगलों में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जनमंच को आम जनता की समस्याओं के निदान का प्रभावी समाधान बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार ने ये तय किया हुआ है कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, गांव गरीब की आवाज को समुचित स्थान मिले, उनकी हर छोटी बड़ी समस्या की सुनवाई घर द्वार पर तय समय में हो सके, इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंडी जिला के करसोग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेरी बांगलों में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जनमंच को आम जनता की समस्याओं के निदान का प्रभावी साधन बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार ने ये तय किया है कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, गांव गरीब की आवाज को समुचित स्थान मिले, उनकी हर छोटी बड़ी समस्या की सुनवाई घर द्वार पर हो तथा तय सीमा में इसका समाधान हो ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर ना काटने पड़े। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद जनमंच की निगरानी करते हैं और हर एक लंबित समस्या की समीक्षा कर अधिकारियों से जवाब तलबी की जाती है। उन्होंने कहा कि जनमंच हर महीने लोगों की समस्याओं को जानने और समाधान के लिए प्रदेश के हर जिला में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें एक मंत्री की मौजूदगी सभी विभागों के अधिकारियों के सामने होती है। उन्होंने कहा कि जो शेष समस्याएं रहती हैं उन्हें भी समयबद्ध तरीके से निपटाया जा रहा है। करसोग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेरी बांगलों के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान करसोग के विधायक हीरालाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र की 12 पंचायतों के लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। कार्यक्रम में करीब 1500 लोगों ने भाग लिया। मंडी जिला के अंतर्गत करसोग निर्वाचन क्षेत्र का जो है वो निर्वाचन किया गया था, इसमें एक जनमंच पहले हो चुका है। दूसरे जनमंच में सेरी बंगलों में इस क्षेत्र की आसपास की 10 या 12 पंचायतें जो है उनका चयन किया गया था, उसमें 10 दिन पहले प्री जनमंच हुआ है जिसमें हमारे अधिकारी जो है स्थान स्थान पर गए हैं, लोगों ने वहां उनको अपनी समस्याएं बताई, उन्होंने स्पॉट भी देखे हैं और समस्याओं को अपने पास लिया भी है। उनमें से बहुत सारी समस्याएँ आज यहाँ पर आई जिनका जो है वो समाधान स्पॉट पर किया गया है। ऐसी लगभग 240 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ये बहुत बड़ी संख्या है। इसमें डिमांड्स अलग हैं, बहुत सारी डिमांड्स भी हैं जो पेयजल के लिए होती हैं, स्कूलों के लिए होती हैं, स्कूलों में रिक्तियां हैं कहीं, या आपके जो है वो पीडब्ल्यूडी की सड़क बननी है, उसकी मरम्मत होनी है, ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं जिसकी ये आई हैं। 160 गृहिणी सुविधा योजना जो है हमारी, उसमें यहाँ पर इतने लोगों को जो है वो बांटे गए हैं गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस के चूल्हे, और इतने ही जो है 160 लोगों को पेंशन मिली, मतलब ये भी एक यूनिक प्रोग्राम है, 70 साल की उम्र से अधिक के लोगों को पेंशन देना, और वो इतनी तेज़ी के साथ जो है वो सेंक्शन होती हैं और लोगों को पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह से जो है वो 600 सर्टिफिकेट, मतलब ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसको कोई बड़ी बड़ी योजनाओं से कोई मतलब नहीं रहता है, उसका सरोकार तो अपनी रोज़मर्रा की समस्याएं हैं उससे रहता है, उसके लिए अगर सर्टिफिकेट ज़रूरी चाहिए तो वो अगर उसको मिल जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा काम वही रहता है, वो मौके पर मिल जाए, ये जनमंच का जो है एक महत्वपूर्ण कार्य रहता है। 600 सर्टिफिकेट आज के जनमंच में सेरी बंगलों में जो है दिए गए। इस अवसर पर सभी विभागों ने स्टॉल लगाकर लोगों को संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। मंत्री ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर लोगों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी भी ली।